सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ गुरप्रेम लहरी। तो अज तुहानू उस शख्स दे नाल मिलाउणे आ जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी जो साडे पहले गुरु होए ने उन्हां दी पहली उदासी दे उत्ते बाइक राइड की है। तो हुण वापस बठिंडा पहुंचे ने। तो आपां करदे आ मित्र मंडली होरां दे नाल गलबात। एक जिस तरह गुरबाणी दे विच इक तुक दर्ज हैगी है कि चरण चलो मार्ग गोबिंद। तो ये जिहड़े हैगे ने बाकी गुरु नानक देव जी दे मार्ग ते तां चलिया, पर यह पैदल नहीं मोटरसाइकिल ते गए ने। तो 25 दिनां दे विच ये तकरीबन 10,000 तो ज़्यादा किलोमीटर का सफर तय करके अपने मोटरसाइकिल से पहुँचे ने। तो आप करते हैं गलबात। मिथुन जी, पहला तो तुहाडा बहुत स्वागत है बठिंडा पहुँचने। धन्यवाद। टोटल किन्ना सफर किया और किन्ने दिन? करीबन सर ये सफर 25 दिन का होया सफर जी, और नियर अबाउट 10,600 समथिंग किलोमीटर का एरिया कवर किया होगा जी। जी, और कितों शुरू किया जो रास्ता कितों कितों के होंगे हुए इतने बठिंडा वापस? सर ये सफ़र बठिंडा तो ही शुरू किया मैं, पर असी पहले सुल्तानपुर मेन मैं मोटिव रखिया क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सुल्तानपुर तो ही अपना पहला सफ़र शुरू किया। सुल्तानपुर लोधी तो मैं जलंधर, जलंधर तो दिल्ली, और दिल्ली तो दिल्ली जाके मैं थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। और कन्फ्यूजन से कि पहली उदासी और दूजी उदासी, क्योंकि कई गुरुद्वारे पहली उदासी दे सीगे गुरुद्वारे साहब, और कई गुरुद्वारे साहब दूजी उदासी दे सीगे। तो मैं जानना चाहता सीगा कि पहली उदासी की हरिद्वार दिल्ली तो अगे आगरा के थ्रू महाराज जी इत्थे आए, या फिर ऋषिकेश दे डायरेक्शन तो आए। तो उदे चक्कर से मैनू अगे तुरना पै गया दिल्ली की साइड, आगरा, आगरा तो अगे प्रयागराग बनारस की तरफ मैं अगे तुरया। फिर उतों बिहार पटना होंदे हुए उड़ीसा जगन्नाथपुरी, फिर जगन्नाथपुरी तो कलकत्ता मालदा होंदे हुए वेस्ट बंगाल तो असाम की तरफ, असाम तो भूटान, भूटान तो दोबारा हिंदुस्तान आके सिक्किम की तरफ जी, फिर पाकिस्तान सॉरी सिक्किम के बाद नेपाल, नेपाल 4 दिन का सफ़र करना पै गया। और उत्थे जाके गुरु नानक देव जी की तीजी उदासी का जिक्र आता है। फिर नेपाल तो एंटर मैं गोरखपुर किया, गोरखपुर तो फिर आगरा, आगरा तो फिर हरिद्वार, और हरिद्वार का एरिया कवर करके फिर पटियाला तो आज मैं वापस बठिंडा पहुँचा जी। जिस तरह तुम जो है मैं लगता है सिख कम्यूनिटी बिलोंग नहीं करते जी, तो यह जो मार्ग से चले हो ये काफ़ी कठिन मार्ग से गा जिदे उत्ते जिन्हों का जान का हक बनता से, मतलब जो आप गल करिए सिख धर्म का। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी जो है सारे सारे धर्मों के सांझे से, तो फिर भी जो है जिम्मे दावा किया जाता एक सिख धर्म के वलों, तो उन्होंने वालों ये पहल नहीं की गई, तो तुम इस मार्ग से चले, ये विचार कितों बनया? मैं एक इंसीडेंट दसदा जी। सुल्तानपुर लोधी जो गुरद्वारा साहेब है, बेरी गुरुद्वारा बेरी साहेब जी, उस वक्त मैं वहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहा, नियर अबाउट सवेरे पहुँच गया था और दोपहर तक मैं गुरुद्वारे में ही बैठा रहा, क्योंकि मुझे बड़ी इस बात की खुशी हो रही थी। अब यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ठंड लग रही थी जब मैं गुरुद्वारे में जा रहा था साहिब में, और मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा ये बेरी जो बेरी का वृक्ष है ये गुरु नानक देव जी के हाथों से लगाया हुआ है। इन बातों से ही मुझे खुशी हो रही थी और मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, ठंड लग रही थी मुझे। तो मैं वहीं बैठा था, तो इस दौरान कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो एक शख्स जो बड़े गुस्से में आए, उनका इंट्रोडक्शन देना सही नहीं है, पर बड़े गुस्से में आए और उन्होंने मुझे कहा यू आर नॉट अ सिख देन व्हाई यू डू दिस। बड़े उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए मुझे ये बात कही, और मैं बड़ा समझकर काफ़ी देर तक चुप रहा कि बड़े हैं बड़े हैं, पर उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि वेयर इज योर टर्बन है ना, और व्हाई यू डू दिस, कैसे करोगे तुम, कहाँ से तुम्हें है ना, कैसे, मतलब बहुत कुछ कहा। फिर फाइनली मुझे जवाब आया कि असल में मैं भी सिख ही हूँ, मैं गुरु नानक देव जी का सिख हूँ, वो शायद पंजाब के सिख की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ गुरु नानक देव जी के सिख की बात, जो सीखने के लिए तैयार रहता है, जो सीखना चाहता है। तो मैं वो सिख हूँ जो सीखना चाहता है, जो सीखने के लिए तैयार रहता है, और जो गुरु के द्वार पे जाता है, मीन्स गुरुद्वारा। और ये
इंटरेस्ट इसलिए आया सर क्योंकि मैंने 4-5 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज की किताबें पढ़नी शुरू की, श्लोक जो है वो जहन में आने शुरू हो गए, उनसे रिलेटेड जो शब्द है वो सुनने शुरू कर दिए। तो जब वो समझ आया तो लगा कि इससे बेहतर फिलॉसफी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। फिलॉसफी वर्ड कहने का मतलब इससे बेहतर चीज मुझे मिली नहीं असल में। और उसे और जानने की इच्छा पे जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू की तो उन किताबों में मुझे उलझने मिली, मतलब सलूशन नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता था कि ये साखी इस जगह से संबंधित है, ये साखी इस जगह से संबंधित है, पर जब कई बार एक साखी दो जगहों से संबंधित होती तो मुझे लगा कि नहीं ये ऐसे होगा नहीं, क्यों ना उन जगहों पे जाया जाए और खुद वहां जाके बैठ के पढ़ा जाए। तो ये ठान कर मुझे लगा ये किताबों की पढ़ाई या इंटरनेट की पढ़ाई नहीं रहेगी, क्यों ना मैं खुद उन उदासियों में जाऊं, उन रास्तों पे चलूं जिन रास्तों से गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना जी गुजरे, तो शायद मुझे ये चीज समझ आए जो मेरे मन में सवाल, बहुत सारे सवाल है, सैकड़ों सवाल थे, और अब उनमें से ऐसा लगता है कि वाओ मैं हल्का महसूस कर रहा हूं इस उदासी के बाद। तो मेन मकसद तो ये था कि मैं गुरु नानक देव जी के उन रास्ते पे चल के उन्हें समझ सकूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और वाकई बिलीव मी कोई तोड़ नहीं है सर इसका, जो जो मजा जो हल्का मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त, एक थकावट जो महसूस होती है टूर के बाद वो बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि जो बचे हुए रह गए गुरुद्वारा साहिब मैं वहां पता नहीं कब जा पाऊंगा, कब मुझे अगली छुट्टी मिलेगी। जैसे अभी से प्लान बन रहा है कि अगले संडे मैं यहाँ जाऊंगा, अगले संडे मैं, है ना, तो ये ऐसे ही हो गया। अब आप मुझसे पूछे कि ये आइडिया कैसे आया, तो पता नहीं कैसे आया सर, ये बस अचानक ही मन में आया कि चलो और मैं चल पड़ा बस। तो जैसे कि कहा जाता है कि जब भी कोई श्री गुरु नानक देव जी का नाम लेकर चलता है जी, तो जो भी यात्रा करता है उसको ऐसे महसूस होता है जैसे श्री गुरु नानक देव जी उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको आपको लगा या नहीं, मालूम क्या महसूस हुआ? मैंने पहले भी ये बात जिक्र की थी अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि मुझे था कि मुझ पे लोग हंसेंगे कि एक फिलोसोफर टाइप का एजुकेटेड टीचर ऐसी बातें कर रहा है। पर रियलिटी ये है कि जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा फिल्म, उसमें गांधी जी जो है वो संजय दत्त को नजर आते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई चीज है जो मुझे गाइड कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं सोचता था कि आगे जाऊं, छोटी सी चीज है, मतलब किसी क्वेश्चन को लेकर मैं सोचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे आंसर दे रहा है दिमाग में। पहले तो मैं सोचता था कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता नहीं कोई आंसर दे रहा है कि नो ये ऐसे होता है, ये इस तरह होता है। तो मुझे बाद में समझ आया कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई कोई कह रहा है मन के अंदर, ये थॉट कोई डाल रहा है, ये कोई शब्द कह रहा है कि नो नहीं मिथुन ये सही नहीं है, ये सही है, ये करो। तो ये फील होता है। अब कोई इसे चमत्कार कहे, कोई इसे गुरु नानक देव जी कहे, या कोई साइकोलॉजिकल स्टेज कहे माइंड की, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर जो पता नहीं मैं कितनी किताबों में ढूंढ रहा था और एक सफर में मिल गए मुझे। बहुत सारे सवाल है जो जो मन में आते थे, पर रियली आई फील वेरी लाइट। मैं चाहता हूं कि लोग जिस सफर में मैं चला मैं अकेला था, पर अब मुझे लगता है कि इस सफर में सैकड़ों लोग गुजरेंगे तो वो महसूस कर पाएंगे, क्योंकि मेरी हालत मैं फिर कह रहा हूँ कि एक गूंगे जैसी है जिसको गुड़ दे दिया गया हो, और उससे बार बार पूछा जा रहा हो कि कैसा लग रहा है टेस्ट बताओ, मेरी हालत बिल्कुल वैसी है। कोई अपना अनुभव शेयर करो जो तुम, मतलब तुम यात्रा के दौरान गए, मतलब जो तुम दसिया भी तुम इस मिशन से हो, पहले दसी दे कुछ शेयर करो अपना अनुभव। जो इस ऐसे तो बहुत सारे छोटे मोटे जो मेरी साखियां भी बनती है, जो मेरे साथ हुई मेरी कहानियां मेरी साखियां, पर मैं आपको बता दूं कि जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप के ज़रिया है। लोग इतने अच्छे हैं जो आपको जब प्यार करते हैं तो आपको लगता है कि ये वैसे ही प्यार कर रहा है जैसे मेरी माँ करती। और जीव स्त्री का जिक्र आता है, जीव स्त्री मीन्स ना कोई आदमी ना कोई औरत, मीन्स जीव स्त्री मतलब एक मानव शरीर, इसमें औरत भी हो सकती है आदमी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे जो प्यार मुझे मिला है, उस प्यार के सामने जो मैंने अब तक प्यार किया वो बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं उड़ीसा के एक गुरुद्वारे में जब मैं था तो
उस वक्त जाते वक्त मैंने, मुझे इतना मालूम है कि कभी भी सेवा आप अगर कैपेबल हो तो ज़रूर आप दान करें, सेवा करें। तो मैंने अपने 1,000 रुपये का सेवा में मैंने दिए, और जो वहाँ माता थी उन्होंने वो 1,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये लेकर मेरी पर्ची काट दी। और जब मैं सवेरे जाने लगा, उससे पहले उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, जस्ट वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने 1,000 रुपये मेरी जेब में डाले। तो मैंने उन्हें कहा क्यों, तो उन्होंने कहा वो तेरी सेवा थी, ये मेरी सेवा है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अपना ATM चेक किया तो 800 रुपये थे मेरे ATM में, और तेल मेरा ख़त्म होने की तकात में था। तो जो 1,000 रुपये मिले, मैं क्या यार ये क्या, उनके मुंह से निकला पेट्रोल भरवाना, ये मेरी तरफ से सेवा है तुझे बेटे, कि मेरे जो पेट्रोल होगा वो इन पैसों से देना, तूने अपनी सेवा कर दी। तब मैंने रोका नहीं, अब मेरी सेवा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे पता लगा उन्हें कि मेरे बाइक में तेल नहीं है और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं पैसों क्रेडिट कार्ड यूज़ करने जा रहा हूँ। तो अब ये छोटी बात नहीं है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपके लिए तैयार है, रहने का कमरा, खाने का, तेल का, पैसों का, रास्तों का, यहाँ तक कि मैं कितनी बार गलत रास्तों में चला गया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, लेकिन जिस भी रास्ते में मैं गया वहाँ मुझे कोई गुरुद्वारा साहिब मिला, और वो एविडेंस के साथ मिला। उन्होंने कहा अच्छा वो आप उस डायरेक्शन में चले गए, अब वो उस जगह का गुरुद्वारा जो है वो इस जगह पे शिफ्ट हो गया, उस जगह का नाम बदल गया नेट पे, अब वो ये जगह है असल में। तो मुझे लगता है कि हाँ कितने किलोमीटर मेरे बच गए। तो ये एक इनडायरेक्टली कोई हेल्प थी, आई डोंट नो ये क्या है, मुझे शब्द नहीं है कि कोई इसे चमत्कार कह सकता है, कोई इसे कुछ भी कह सकता है, तुक्का कह सकता है, पर मेरे लिए ये एक एनर्जी थी जो मुझे सही डायरेक्शन में घुमाती रही। मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं शायद भटक गया, ओह माय गॉड नेट देख करके मैं तो गलत रास्ते पे आ गया, पर पता लगा कि नेट शो गलत रास्ते पे कर रहा है, मैं जा सही रास्ते पे रहूं। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट है सर जो मतलब आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, कि उस वक्त समझ नहीं आता लेकिन रात को आपको समझ आता है कि अच्छा हुआ कि मैं, बारिश आ गई और मैं आगे नहीं गया, पता लगा आगे तो पुली ब्लॉक किया हुआ है, मैं आता कैसे। तो ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ये बताया नहीं जा सकता सर। सिख धर्म के बारे तुसीं की महसूस करते हैं यात्रा तो बाद? कमाल, बहुत बड़ा सवाल है ये, और इस बड़े सवाल को मैं आप सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अगर रिलीजन है XYZ हम बात करते हैं जी, अगर मुझे कहा जाए कि उस रिलीजन में जाओ तो मेरे पास क्या वजह है उस रिलीजन को, मन में आप कोई भी XYZ रिलीजन ले लीजिए, तो मेरे पास कोई खास वजह नहीं है, बस सिख रिलीजन में आने के मेरे पास हजारों वजह हैं। जब मैं गुरुद्वारे साहिब में बैठ के लंगर खाता था तो मैं देखता था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ग्लास की सेवा कर रहे हैं, कोई चमचे की, शौर्य जितना 3.5 साल का भतीजा है, इतने छोटे बच्चे भी सेवाओं में आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सेवा जो है, ये जितनी गोल्डन टेंपल में आपको देखने को मिलेगी उतनी ही आपको असम और नेपाल में देखने को मिलेगी, कोई फर्क नहीं है उनकी सेवा में। उन मतलब अब ये सेवा प्रैक्टिकल है, इनके बीच जो एजुकेशन है उसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब बहुत हल्का। ये बातें शब्दों में सर सॉरी कहना बड़ा मुश्किल है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी अगर इतिहास ही पढ़ लिया जाए तो इंसान के थॉट बदल जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब तो बहुत बड़ी और दूर की चीज़ है, पर क्योंकि उसे समझने के लिए आपको अगर आप इतिहास ही पढ़ ले कि गुरु नानक देव जी के मोटिव क्या है, मकसद क्या है, वो मकसद ही अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है आपको सैकड़ों वजह मिल जाएंगे सिख धर्म में आने के। और इट्स अ ब्यूटीफुल रिलीजन, ब्यूटीफुल, बहुत प्योर है और कमाल का है, इसका इसके बीच में कोई तोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तोड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट बेस्ट, मतलब अपने आप में ये बहुत कमाल है सर। मैं रियली एक टाइम आता है जब आपके पास किसी की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं होते, वो सिचुएशन मेरी है। कई बार होता है कि आपको बहुत कुछ कहना होता है और आप कुछ नहीं कह पाते, वो हालत है मेरी इस वक्त। तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मुझे मैं ये जानता हूँ कि सब बेस्ट है शायद जी। मिथुन जी, जिस तरह तुम हिंदू धर्म बिलोंग करते हो जी, और तुम काफ़ी गुरुद्वारा साहब जाके आए हो, दर्शन करके आए हो, कि कितने तुहाडे नाल कोई इस तरह पक्षपात किया गया, तुम हिंदू हो इतने गुरुद्वारा साहब आए हो, कि इस तरह का होया कोई वाकया कितने? गुरुद्वारे साहिब पे तो कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का लोग तो बड़े प्यार से, कोई फर्क नहीं है। कुछ मानसिक तौर पे मैंने बीमार लोगों को देखा है आमतौर पे, जो कि
जो बाहर के गुरुद्वारे हैं उनमें ये प्रभावित देखने को मिलता है। और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को जो असम में छोटी सी जगह पे एक परिवार एक गुरुद्वारा की साहिब की जिम्मेदारी संभाल रहा है, या आगरा में लोग जो है पंजाब से बाहर आकर गुरुद्वारे संभाल रहे हैं, राहगीर पटना के पास एक गुरुद्वारा साहिब है वहाँ जो लोग सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को सलूट है। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है सर। मैंने गुरुद्वारे साहिब में जब हम ज्ञान का लंगर ले रहे होते हैं, आदि ग्रंथ के सामने जब हम ज्ञान सुन रहे होते हैं, तो उस टाइम वहाँ छोटे छोटे बच्चे, कोई साउथ इंडियन है, कोई कहीं से आया है बच्चा, है ना, पटना से है, बिहार से है, कहीं दूर से, कहीं अरुणाचल प्रदेश से आया है। अब उन बच्चों को नियम नहीं मालूम कि सर ढकना है। अब वो छोटे बच्चे भाग रहे है ना, दौड़ रहे, तो माए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब छोटे बच्चे, उनको नहीं पता, उनके लिए जस्ट एक घूमने की जगह है कि इतने बच्चे खेल रहे हैं, इतनी रोशनी है, म्यूजिक है, लोग है, तो वो भाग रहे। तो जो वहाँ ड्यूटी पे थे लोग, उनकी पेशेंस देखने लायक था सर। उन्होंने संभाला, जैसे कि बेटे सर ढक लो, वो खुद ही बांधते, फिर वो भाग जाते, वो बच्चा नो कहते हुए भाग जाता। तो ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन वो जब पंजाब में आते हैं हम, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस फॉलो करने को मिलता है, लेकिन वो लोग जो है वो उनमें इतनी पेशेंस है कि वो उन बच्चों को, उन लोगों को हर बार प्यार से समझा रहे थे कि नहीं बेटा इसे ऐसे करो। अगर कोई आम इंसान होता तो मेरे ख्याल से वो नहीं समझा पाता, वो गुस्से में आता, वो है ना चिल्ला कर बात करता, लेकिन उन लोगों में जो भाव है वो असल में वो गुरु के शिष्य असल में। तो मैंने ये फर्क देखा है, अदरवाइज तो कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत प्यार मिलता आपको। हाँ ठीक है मिथुन जी, तुसी सफर करके आओ और अगले फ्यूचर के सफर लिए हुण तो तुहानू शुभ इच्छावां। हाँ बहुत बहुत मैं भी यही गुजारिश करूंगा जी कि जितना हो सके पढ़े आप लोग, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा है सफ़र करना। जितना आप पढ़ेंगे उतना उससे ज़्यादा आपको एक सफ़र में समझ आ जाएगा। तो पढ़िए और सफ़र कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।